हेलो दोस्तों, तो आज की स्टूडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे आप सोशल मीडिया बनकर सोशल मीडिया मैनेजर बनकर पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं कुछ स्टेप जो हमें आज की इस वीडियो में फॉलो करने हैं, आप देख सकते हैं। तो हम चले जाते हैं स्टेप नंबर वन पर, ओवरव्यू। तो स्टेप नंबर वन पर हम चले जाते हैं अपवर्क पर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पर ये लिखेंगे अपवर्क। तो ये देखिए, हम इसे सर्च करते हैं और ये अपवर्क पर फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइक ओवरव्यू होता है वेबसाइट का। अकाउंट बनाने से पहले वेबसाइट ऐसे दिखती है। ये कुछ कैटेगरीज हैं, यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये पोस्ट जॉब, ब्राउज एंड बाय प्रोजेक्ट, और ये वैसे ही कुछ इन्होंने कंसल्टेशन और कैटेगरीज लिखी हैं। और ये वो उनके लिए है जो लाइक अपनी जॉब्स पोस्ट करते हैं फ्रीलांसर हायर करने के लिए। तो ये देखें, हायर टैलेंट फॉर एन जॉब, फाइंड ग्रेट वर्क और ट्रस्टेड बाय लेंडिंग ब्रांड्स एंड स्टार्टअप। ओके, यहाँ पर टॉप स्किल्स हैं जो कि लाइक कैटेगरीज बताई हुई हैं कौन सी टॉप स्किल्स हैं और US में कौन सी ज़्यादा लाइक मशहूर हैं, इसमें ये बताया गया है। ये देखिए US में कौन सी ज़्यादा लाइक चलती हैं आजकल, इस वीडियो में ये बताया गया है। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ये बार साथ ही फॉर क्लाइंट्स एक है, हाउ टू हायर टैलेंट मार्केट प्लेस और ये है, और फॉर टैलेंट टैलेंट एंड कंपनी। तो ये देखें, उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम चले जाते हैं स्टेप नंबर टू पर, क्रिएट अकाउंट। तो स्टेप नंबर टू पर हमें क्या करना है, साइनअप पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें इन दोनों में से एक पर क्लिक करना है। हम करेंगे आई एम फ्रीलांसर, कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ऐसे आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है आपको। आप देखिए, तो हमने क्लिक कर देना है यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर, और यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनका आपको जवाब देना होगा। ये देखिए, ये कुछ सवाल पूछे, और हमें आप दोनों भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी किसी में और किसी में सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। ये देखिए, इसमें दोनों सेलेक्ट हो गए, तो आप ये कर सकते हैं। तो आप फिल आउट मैन्युअली भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर लाइक मैं लिखूँगी फ्रीलांसर, और आप यहाँ पर ये स्किल वगैरह स्किप भी कर सकती हैं, ये भी स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना इंग्लिश लेवल लिखना है, मैंने फ्लुएंट लिख दिया है। यहाँ पर स्किल आपको लिखनी है, मैं फ्रीलांसर लिख रही थी पर वो यहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर हम वर्चुअल असिस्टेंट लिख देते हैं जो कि लाइक हेल्पर ही होता है, तो हम राइट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें बायो की लाइक कुछ डिटेल्स लिखनी है, अपना बायो लाइक प्रोफाइल का बायो लिखना होता है, ये लाइक इंफॉर्मेशन होती है प्रोफाइल में। तो हम लिखेंगे हे आई एम अनुरा एंड आई फर्स्ट वर्क एज अ फ्रीलांसर ऑन फाइवर On Fiverr, and I want to explore more opportunities. तो मैंने ये लिखना है। उसके बाद हमारे हमें चूज योर लाइक की कर देना है, कैटेगरी हमने चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइक प्राइस सेट कर देनी है। मैंने $5 पर आवर लिख दिया है। तो फोटो एंड लोकेशन, यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन चूज कर देनी है, आप जौन सी कंट्री से आपको वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये सारे डिटेल्स डाल देने हैं, उसके बाद क्लिक कर देना है रिव्यू योर प्रोफाइल। तो ये सब ऐड करने के बाद हम चले जाते हैं स्टेप नंबर थ्री पर, फाइंड प्रोजेक्ट। तो मैंने ये सब ऐड कर दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं फाइंड प्रोजेक्ट पर। ये देखें, आपको कोई भी प्रोजेक्ट फाइंड करने में तीन चीज़ें देखनी होगी। हाँ, हम फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। तो मैं आपको बताती हूँ वो तीन चीज़ें कौन सी होती, लाइक आपके साथ स्कैम ना होना। तो उसके लिए आपको तीन चीज़ें किसी भी प्रोजेक्ट में देखनी पड़ती हैं, मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ता है पेमेंट वेरीफाइड हो और उसमें कितना स्पेंड किया है, उसका स्पेंड ज़रूर होना चाहिए पैसे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ ये 3 स्टार जो दिख रहे हैं,
हर किसी के 5 स्टार होने चाहिए प्रोफाइल में, जिनके नहीं आप ये देख सकते हैं ये स्कैमर्स हैं, तो इन पर अप्लाई मत कीजिएगा। और ये देखें, ये भी स्कैमर्स हैं ये सारे, जिनके लाइक 5 स्टार हैं और $0 स्पेंड हैं। सबके लाइक पेमेंट वेरीफाइड हो और 5 स्टार हो और डॉलर स्पेंड हुए हों, बस उन पर ही आपको लाइक करना है, अप्लाई करना है प्रोजेक्ट के लिए। हम वापस आ जाते हैं मोबाइल साइट पर, फिर हम यहाँ पर लाइक आप ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये स्कैमर्स हैं आप देखिए, और ये लाइक देखते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो ये थोड़ा आपको मैं बताती हूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप जैसे ये आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, देखिए मैं पढ़ रही हूँ। अब नीचे आए तो ये देखें, आप जब नीचे आते हैं ये देखें यहाँ पर 5 स्टार लिखे हुए हैं, पेमेंट वेरीफाइड 5 स्टार, और यहाँ पर स्पेंड भी दिखाते हैं। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं 5 स्टार। तो ये देखें यहाँ पर भी आप आएंगे, ये देखिए यहाँ पर 5 स्टार लिखे हुए होंगे। तो हमें लाइक मुझे ये प्रोजेक्ट सही लग रहा है तो मैं ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखूँगी 5 स्टार पेमेंट वेरीफाइड, और ये रिव्यूअर्स ने रिव्यू किया हुआ है, तो ये देखें। उसके बाद हम चले जाते हैं स्टेप नंबर 4 पर, जनरेट प्रपोजल। तो स्टेप नंबर 4 पर हमने प्रपोजल जनरेट करने में इसे कॉपी कर लूँगी। कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं ChatGPT पर, ये देखें यहाँ पर मैं लिख दूंगी राइट प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रपोजल टू जनरेट फॉर गेटिंग प्रोजेक्ट। और यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट का टाइटल ऐड कर देना है, सो उसके बाद मैं लिख देना ही हेयर आर द प्रोजेक्ट डिटेल्स। यहाँ पर मैंने ये डिटेल्स जो इन्होंने दी हैं ये कॉपी कर लेने हैं, इसको यहाँ तक कॉपी कर लूँगी। उसके बाद कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने ChatGPT पर पेस्ट कर देनी है, ये देखें पेस्ट कर दी है। उसके बाद एंटर दबाऊँगी, ये देखें ये लिख दिया उन्होंने, पर ये मुझे इतना लाइक ख़ास नहीं लग रहा है, इतना सही मुझे नहीं लग रहा है लाइक मेरे अंदाजे से, मेरे ओवरव्यू से मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने फिर से लाइक रीजनरेट कर दिया, तो देखेंगे कितना सही लग रहा है, बिल्कुल डिटेल लाइक लिखा हुआ है। तो ये हमने कॉपी कर देना है, और यहाँ पर आपको कुछ एडिट भी करना होगा, लाइक अपना नेम लिख देना होगा और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपको कॉस्ट भी एडिट करनी होगी, यहाँ पर कॉस्ट लिख देनी होगी, और यहाँ पर टाइमलाइन कितने मंथ तक आप कंप्लीट कर देंगे। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, प्रोजेक्ट ओवरव्यू ओके इससे यहाँ तक तो कॉपी कर लेते हैं, इससे मैं करती हूँ कॉपी कर लेती हूँ, पहले इसे डेस्कटॉप वर्जन में कर देती हूँ बिकॉज ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर कर दी, तो ये मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, ये देखें यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक कॉपी कर लेती हूँ। उसके बाद कॉपी पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर चले जाना है अपवर्क पर, ओके यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर क्लोज कर देना इसे, यहाँ पर ये देखें कवर लेटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें पेस्ट कर देनी है ये सारा, तो मैं ये कंक्लूजन हटा दूँगी बिकॉज मुझे नहीं अच्छी लग रही। तो मैं टाइमलाइन इंसर्ट कर दूँगी जो कि है 3 मंथ्स, और यहाँ पर लिख दूँगी, यहाँ पर कॉस्ट की जगह पर लिख दूँगी $100 पर मंथ पर वीक, बस लिख देती हूँ डॉलर्स पर वीक। तो ये मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखें ये सारा पहले मैं ध्यान से पढ़ लूँगी, इसके बाद ये सही है। इसके बाद हमें
सेंड कर देना है प्रपोजल। यहाँ पर नीचे जाके हम सेंड कर देंगे इसे, सेंड फॉर एड कनेक्ट्स। तो ये देखें, यहाँ पर क्लिक कर दिया हमने आई अंडरस्टैंड एंड सबमिट कर देंगे। अगर आपने गलती से कोई प्रपोजल सेंड कर दिया और अगर आपको लगता है आपको नहीं करना चाहिए था, तो आप उस प्रपोजल को विड्रॉ भी कर सकते हैं। वहाँ पर विड्रॉ प्रपोजल पर क्लिक करें तो यहाँ पर कोई भी रीज़न आप देख सकते हैं, अप्लाई बाय मिस्टेक, अंडररेटेड, अनरिस्पॉन्सिव अकाउंट, और ये करके, और आप अप्लाई बाय मिस्टेक करके विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी प्रपोजल को। ये देखें, तो उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा मजेदार वीडियोस देखने के लिए।